को उन बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने में योगदान देना जिसके लिए नगरीय क्षेत्र में वह जीवन यापन कर रहा है। और थोड़ा भी हम चेंज दे देते हैं, सुरक्षा देते हैं, थोड़ा सुविधाएं बढ़ा देते हैं, उनकी सुनवाई शुरू हो जाती है। कैसे इसमें परिवर्तन होता है? उत्तर प्रदेश में जब हम लोग 2017 में आए थे, कुल 24% आबादी नगरीय क्षेत्रों में निवास करती थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश में 30% से अधिक लोग नगरीय क्षेत्र में वर्तमान में निवास कर रहे हैं। और मेरा अनुमान है कि अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर यह आबादी बढ़कर के लगभग 40% तक पहुंचने वाली है। 40% की इस आबादी को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करना, इसके लिए 112 नए नगर निकायों का गठन हुआ है। कुछ नए नगर निकायों के गठन की कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नगर निगमों के क्षेत्रफल को बढ़ाया गया है, 3 नए नगर निगम भी बनाए गए हैं। नगर पालिका परिषद का गठन हुआ है, नए नगर पंचायतें गठित हुई हैं, उनके क्षेत्रफल को बढ़ाया गया है। स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के साथ साथ तमाम ऐसी स्कीम लाई गई है जो ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। पहले लोग केवल मनुष्य को कहते थे कि साहब बड़ा स्मार्ट बन रहा है, और अब तो प्रधानमंत्री जी ने सिटी को भी स्मार्ट बना दिया। 17 के 17 नगर निगम आज प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। 10 भारत सरकार के सहयोग से और से 7 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत देश का पहला राज्य है जो अपने सभी 17 के 17 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जोड़ के काम कर रहा है। और इसके लिए मैं शर्मा जी को भी, राकेश राठौर जी को भी, और इनके पूर्व के मंत्री खन्ना जी को, खन्ना जी मंत्री हैं लेकिन पहले नगर विकास मंत्री थे, इनको बधाई देता हूं कि 17 के 17 नगर निगमों में इन्होंने कार्य प्रारंभ किया। नगर विकास मंत्री बनने के बाद खन्ना जी ने सबसे पहला काम क्या किया कि सांझापुर को ही नगर निगम बनाया। और आज विकास छोटा हुआ दिखाई देता है। सचमुच जब हम लोग सोचते हैं तो विकास किस कदर काम होता है, आज वो हमें देखने को मिलता है। और इसीलिए जो बात खन्ना जी ने यहां पे कही, हमारा पहला संकल्प क्या होना चाहिए, जब हम चुनते हैं बिना किसी खर्चे के, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, थोड़ा भी हम एक प्रतिदिन सुबह और शाम एक चेयरमैन के रूप में, एक पार्षद के रूप में, अगर हर वार्ड में स्वच्छता समिति का गठन करके और उनके माध्यम से सुबह और शाम स्वयं भी आधा आधा घंटा, एक एक घंटा वार्डों में थोड़ा घूम ले, तो स्वच्छता के लक्ष्य को स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की कार्रवाई हो जाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किए जाने वाले प्रयासों में सहभागी बन जाए, ये सभी कार्यक्रम अगर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा लेते हैं। आज पैसे की कमी नहीं, 2017 के पहले जब हम लोग नगरों में निकलते थे तो पहले तो बिजली आती नहीं थी, और अगर आती भी थी तो स्ट्रीट लाइट आधी अधूरी जलती थी, कोई पीला जलता था, कोई सफेद जलता था, कोई किसी प्रकार के जलता ही नहीं था, क्योंकि लाइट इतनी कम रहती थी कि स्ट्रीट लाइट ठीक से काम नहीं करती थी। हम लोगों ने फ्री में प्रदेश के अंदर 16 लाख LED स्ट्रीट लाइट लगाई। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के सभी नगर निकायों की लाइट एक जैसी दुधिया लाइट से पूरे प्रदेश भर में स्ट्रीट लाइट जलती है। और स्ट्रीट लाइट जलती ही नहीं है, बल्कि स्ट्रीट लाइट के परिणाम स्वरूप आज क्या परिवर्तन देखने को मिला, कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया गया, बिजली को भी, खपत को कम किया गया, और साथ साथ एक जैसी स्मार्ट, यानी एक जैसी स्ट्रीट लाइट होने के कारण स्मार्ट सिटी के मिशन को भी हमने पूरा करने में और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप नेट जीरो के लक्ष्य को, यानी हम कम से कम कार्बन उत्सर्जन को करेंगे, इसके लिए भी लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारे नगर निकाय योगदान दे रहे हैं। पहले शहरी क्षेत्र कूड़े से गंजे होते थे, आज पहले की तुलना में सफाई काफी अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी
हर अच्छे कार्य में और अच्छा होने की गुंजाइश है। इस हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए कि हमारी शहर में जल जमाव न हो, सड़कें अच्छी हो। प्लानिंग के तौर 5 वर्ष की कार्य योजना बना करके अगर हम करें, और साथ साथ लक्ष्य भी हमारा नगर निकाय आत्मनिर्भर बने, इसके लिए अपने नगर निकाय की इनकम को भी बढ़ाना। अगर ये सभी कार्य हम एक साथ करना प्रारंभ कर देंगे, जो पिछले 7 वर्ष में नगर विकास विभाग ने, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने मिलकर के काफी बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया। पहले कोई सोचता था शहरी क्षेत्र में गरीब को आवास मिलेगा, आज प्रदेश में 15 लाख गरीबों को 3500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित हो चुकी है केवल नगर